सो हे वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉलेज तराजू, जहां पे हम दो यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर रहे हैं जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। वी हैव अलायंस यूनिवर्सिटी एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। जब हम इन दोनों यूनिवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं तो दोनों का ही ब्रांड वैल्यू काफ़ी नोन है, एंड वी जस्ट गॉट दिस कन्फ्यूजन कि इन दोनों में से कौन सा मैं चूज करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एपिसोड, जहाँ पे अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो 2010 की स्टैब्लिश है अलायंस यूनिवर्सिटी, वेयर इज जो क्राइस्ट है वो 1969 की यूनिवर्सिटी है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आप फैकल्टी वाइज देखोगे तो आई थिंक क्राइस्ट काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। यू विल फाइंड सो मेनी फैकल्टीज जो कि कई सालों से पढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि थोड़ा सा क्राइस्ट को यूनिक बनाता है। बट कंक्लूजन हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती हैं, बट हम एमबीए डिस्कस करने वाले हैं। कोर्सेज में 2 साल का ड्यूरेशन है एमबीए का, इसमें आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस और भी कई सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाती हैं। क्राइस्ट में भी कई सारी स्पेशलाइजेशन है, बट क्राइस्ट के साथ क्या है, थोड़ा सा इनटेक ज़्यादा है। मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया था, चैनल पे डला होगा, आप सर्च करके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे उसका उस स्टूडेंट का ये कहना था कि मतलब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, इनटेक जो है वो क्राइस्ट का कंपैरेटिवली अलायंस से ज़्यादा है। राइट, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड दे हैव अ यू नो इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोग्राम, जहाँ पे एमबीए फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड एमबीए फ्रॉम वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएसए, स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारी स्पेशलाइजेशन है। एंड स्टिल वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी यूएसए, तो ये दोनों ऑप्शंस भी आपके पास हैं क्राइस्ट से। एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया 50% इन ग्रेजुएशन, देन यू हैव टू गिव एनी ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैट, सी मैट, कैट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट कि सबका ही हो जाता है, बट 10 में से इट्स लाइक 7 to 8 स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड, राइट, व्हेन इट कम्स टू कॉलेज, अगर आप उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मीट कर रहे हो। बिकॉज क्राइस्ट ने भी स्पेसिफिकली बता रखा है कि मैथ में उन्हें मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए, तो अगर आप उसको मीट कर रहे हो तो यू कैन अप्लाई टू दिस कॉलेज। एंड स्पेशली क्राइस्ट की डिमांड जो है वो बिहार यूपी साइड काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ के बच्चे स्पेसिफिकली इस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फीस यू नो अगर मैं बात करूँ तो अलायंस की 14 लाख है, इसकी 16 से 21 इसलिए लिखी है बिकॉज दे हैव स्टार्टेड विद दिस इंटरनेशनल प्रोग्राम्स आल्सो। बट तो फीस अगर आप नॉर्मल एमबीए भी देखते हैं तो इट्स लाइक यू नो आप ये मान के चलिए 10-12 लाख का इन्वेस्टमेंट क्राइस्ट में भी है। फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ दोनों ही ऑफर करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैंपस ब्यूटीफुल हैं, एक्सपोजर अच्छा है, इवेंट्स अच्छे मिलते हैं। नाउ द पैरामीटर टू डिसाइड, अलायंस की मैं बात करूँ तो इट्स लाइक 7.6 का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट 21 लाख का है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में भी अलायंस आता है एंड इट्स ओवर क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज, राइट। तो अगर आप एनआईआरएफ की बेसिस पे देखें तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। क्राइस्ट की बात करें तो हाईएस्ट इज लाइक 15 लाख, एवरेज पैकेज जो है वो क्राइस्ट आई थिंक 7.5 का क्राइस्ट भी क्लेम कर रहा है एंड 530 स्टूडेंट्स प्लेस्ड, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट, बट दोनों में से किसको तोल के आपको लेना चाहिए, सिंपल सी चीज़, अगर आपको इनटेक उतना मैटर नहीं करता है तो आप क्राइस को ले सकते हैं क्योंकि क्राइस काफ़ी पुराना है, राइट। बट कॉम्पिटिशन रहेगा, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। बट अगर आपको ये है कि यार कॉम्पिटिशन की बेसिस पे नहीं लेना है तो फिर आप अलायंस को प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपको इनटेक से इशू नहीं है देन इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर क्राइस। बट इफ़ यू हैव यू नो इशू विद द इनटेक, बिकॉज मैंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि होता क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जिस कॉलेजेस, जिस यूनिवर्सिटीज़ के इनटेक ज़्यादा होते हैं, लेट्स से डेलॉइट आई, राइट, 6.5 लाख का पैकेज लेकर आई, आप बैठ गए डेलॉइट में तो आपको प्लेसमेंट मिल गया। अगर दूसरी कंपनी आती है तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम इसलिए हो जाते हैं बिकॉज उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज को बाकी स्टूडेंट्स को भी प्लेस करना होता है, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा सा वहाँ पे ये एक इशू आ जाता है व्हेन कम्स टू इनटेक। सो उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई एक डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस वॉज मी आरशी खान साइनिंग ऑफ विद दिस तराजू एपिसोड। फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस स्टे कनेक्टेड। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.